हाय फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे प्ले स्टोर का लोगो कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे कोरल ड्रॉ में। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आप फ्री हैंड टूल से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से बनाने पे है कि आपको राउंड जो करना होगा चारों तरफ से करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पोलीगन जो टूल दिया गया है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, पोलीगन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है इसका जो साइड जो दिया गया पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है, हमको जो है 3 पॉइंट ही लेना है। जितना चाहे उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। पेज को जो है यहाँ पर फिट किए हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट को फिट करना है तो सेंटर में पी प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे जो दिया गया एंगल रोटेशन का 90 डिग्री एंगल दे देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से इसको मिरर चेंज कर लेंगे। मूव कर गया, उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ से शेप टूल लीजिएगा। जैसे शेप टूल लेंगे यहाँ पर तो ये नोड दिखाएगा, इसको स्क्रॉल से यहाँ से जूम कर लीजिए। यहाँ से क्या कीजिए, रूलर ले लीजिए और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इस शेप पे यहाँ पे डबल क्लिक करें नोड ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करें नोड ऐड हो जाएगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आप फिर क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको राउंड कर देंगे। इसको अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से राउंड कर देंगे। यहाँ से इसको अच्छे तरीके से अरेंज कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अगर एरो रिमूव हो जाता है तो अरेंज करने के बाद शिफ्ट के साथ एफ4 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। देखेंगे ऑलरेडी चारों तरफ से आपका जो है राउंड हो गया, एक राउंड किए और चारों तरफ से क्या हुआ, राउंड हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये लेंगे फ्री हैंड टूल, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर ड्रॉ करने के बाद इसको सेंटर प्रेस कर दीजिए और इसी को प्लस प्रेस कर लीजिए और मिरर से यहाँ से चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो अपना एंगल बना लेगा। इसको भी पी प्रेस कर दीजिए, सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। कलर करने के बाद रहा तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट फिल टूल लेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ से चूज करेंगे, आउटलाइन भी ग्रीन कलर लेंगे और इसमें क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से ब्लू कलर लेंगे, आउटलाइन भी ब्लू कलर, इसमें क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जो है रेड कलर लेंगे, यहाँ भी हम लोग रेड कलर लेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऑरेंज या जो भी येलो कलर ले लेंगे, यहाँ पे बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसमें क्लिक कर देंगे। पिक टूल लीजिएगा और जो एक्स्ट्रा जो लाइन जो सेलेक्ट किए हैं इसको डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करके डिलीट करने के बाद इसको हम सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे, ग्रुप कर देंगे। आप इसको बनाने के बाद चाहते हैं शैडो अप्लाई करना तो आप क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ से ब्लेंड टूल के अंदर, यहाँ क्लिक करेंगे तो देगा आपको यहाँ पे ड्रॉप शैडो। इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार से शैडो, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जितना आप शैडो देना चाहते हैं। शैडो देने से है कि थोड़ा सा आपको अलग सा अट्रैक्टिव दिखता है। शैडो अप्लाई करने के बाद हम लोग लिखना है टेस्ट टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और लिखेंगे PLAY प्ले STOR प्ले स्टोर। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी ये प्ले स्टोर का यहाँ पे लोगो डिजाइन कर दिए। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक, देखेंगे तो ऑलरेडी ये प्ले स्टोर का लोगो बन गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर यू।